नमस्कार। कोरोना वायरस की जो सारी वारदात रही, वारदात इसलिए कहूंगा क्योंकि कल पूरा हापुड़ हिल गया। किसी अखबार ने कुछ छापा, हमने भी कुछ दिखाया और वो पूरी फ्लैशिंग कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आप तक पहुंचाई भी नहीं। अभी क्या रहा सही पूरा माजरा, क्या था, क्या सच्ची में वो सस्पेक्ट जो है वो सस्पेक्ट ही है? और सिंभावली में भी ऐसा केस आया था। हमारे साथ है हापुड़ CMO डॉक्टर रेखा शर्मा जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले का सटीक जानकारी। तो जो कल मुझे वीडियो से पता चला, वो परिवार यहाँ नगर पालिका में रहता है। वो 28 फरवरी में नेपाल से आया था। वो 20 दिन वहां रहा और उस बच्चे को 11 तारीख में थोड़ा सा खांसी जुकाम उसको हुआ। उसने बताया कि होली पे भीगने से, और मैंने चाट पकौड़ी खाई थी, उससे मुझे दिक्कत हुई। और अब कल मैंने जैसे मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने टीम को भेज के, हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, उसने जाके उसका इंस्पेक्शन किया पूरी फैमिली के, सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में करा। पर उसको इस टाइम कोई ऐसी कोरोना वाली दिक्कत नहीं थी। फिर भी उसको 14 दिन हो चुके हैं, पर हमें 28 दिन तक उनको वॉच करना होता है, तो हम उसको 28 दिन तक सर्विलेंस पे रखेंगे। मीन्स ये कहा जाना चाहिए सस्पेक्ट तो वो अभी भी है। हाँ, सस्पेक्ट तो जो 7 कंट्रीज से लौट रहे हैं उनको हम सस्पेक्ट इसलिए रखते हैं कि अगर कोई भी उनको सिम्टम प्रेजेंट होता है कोरोना वाला, तो उनको हमें वॉच करना है 28 दिन तक। मैम, ये भी जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि देखने में भी आया है, पुराने केसेस में भी देखने में आया है कि जो लोग भी इस तरह के सस्पेक्ट से टच में आते हैं उनको आप उनकी भी हिस्ट्री चेक करते हैं। उन पर जो भी इनके कॉन्टेक्ट के होते हैं उनकी सबकी हिस्ट्री हम लेते हैं। ये जो परिवार है, ये बच्चा है, पर इसके परिवार के सभी लोगों को हमने देखा है और टीम ने उसको एग्जामिन करा है। कोई उस तरीके की दिक्कत नहीं है। और जो भी कॉन्टेक्ट आएंगे, जहां जहां वो जाएगा, उन सबको हमको करना है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से फैलता है। तो जिसके भी कॉन्टेक्ट में वो आया होगा उसको फैलने का डर रहता है। इसलिए इसमें, क्योंकि ट्रीटमेंट तो अभी तक कुछ नहीं आया है, पर इसमें प्रिवेंशन जो है वो है। तो इसलिए हमें ये करना है कि पब्लिक टू कम्युनिटी में फैले ना, तो उसके लिए हमें पहले ही एहतियात लेनी होगी कि वो जिन जिन के कॉन्टेक्ट में आए उनको हम। इन सारी बातों से अगर मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जैसे आप प्रिवेंटेशन की बात करते हैं, तो वो उसको घर में ही अभी रखा गया है, तो वहाँ पे क्या कोई सिक्योरिटी भी रखी जाती है ताकि वो घर से बाहर ना निकले और इस तरह का कुछ होता है? नहीं, उनकी काउंसलिंग इस तरीके से की जाती है, क्योंकि वो अगर अपने परिवार वालों के साथ मिलेंगे या बाहर वालों को, तो उनको फैलाएंगे, तो नुकसान उन्हीं लोगों का है। फिर पब्लिक, क्योंकि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट से फैलता है, तो उनको देखते हैं और वॉच भी करते हैं, और टीम बार बार जाती भी है, फोन पे भी उनसे कॉन्टेक्ट। मैम, सिंभावली से भी एक केस आया था, वो भी शायद नेपाल से ही वापस आया हुआ कोई कैंडिडेट था, तो उसको GS में भी आपके द्वारा रखा गया था, उसका क्या हुआ? जो सिंभावली वाला था उसको थोड़ी सी सांस में उस दिन दिक्कत थी, इसलिए उसको हमने GS में आइसोलेशन के लिए रख लिया था और उसका हमने टेस्ट भेज दिया था। उसकी रिपोर्ट कल शाम तक नहीं आई थी, आज अवेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली आज उसकी आ जाएगी जांच, जो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट रिकवर कर रहा है, उसको साइन सिम्टम्स उसके बढ़े नहीं है, इम्प्रूव किया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सटीक जानकारी किसी भी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन लास्ट में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर शक की बुनियाद पर कहीं ना कहीं चेतनाओं को शंकित करना बनता है, तो शायद वो बनता है जिससे कि अवेयरनेस लोगों के मनों में रहे। अमन गागड़ा के साथ अजीत कुमार शर्मा, नेशनल न्यूज स्टोरी की ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग पर, जनपद हापुड़।